हेलो नमस्कार. इन माय प्रीवियस टू वीडियोस आई एम गिविंग ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एंड थ्री डिजिट नंबर्स एंड इन दिस वीडियो आई एम प्रोवाइडिंग यू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स. आप लोगों ने मेरी वो दोनों वीडियोस देखे होंगे ट्रिक्स वाले, और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक जरूर दे दूंगी, उन्हें जरूर देखिए. तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, 7465 × 24. ये क्वेश्चन है आपके पास, और यहां मैं आपको सिखाने जा रही हूं कि हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स करने हैं. एक तो हमारे ये फोर डिजिट की नंबर है, लेकिन ये फोर डिजिट का नंबर नहीं. तो सबसे पहले तो हम इसे फोर डिजिट का नंबर बना लेते हैं, और उसके बाद ही हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे. तो देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा, और मैंने आपको बताया है कि हमेशा क्वेश्चन जो है आप एक के नीचे एक, वो जो नंबर्स आ रहे हैं ये जो नंबर्स हैं ये दोनों एक के नीचे एक लिख लीजिए. यानी कि 7465 और 24 एक के नीचे आप एक लिखिए. 24 को मैं यदि आप 00 कर दूं और 0024 लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. ये 24 ही है, बस ये रहा. और इसी का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ये आपका क्वेश्चन है. अब इसका सॉल्यूशन लाना है, ठीक है. सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करती हूं. यहां मैं आंसर लिखती जाऊंगी, ये आंसर लिखते जाएंगे, और करना क्या है तो वहां ये नीचे मैं आपको सिखाते जाती हूं. देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूं. ये जो फोर डिजिट है इसमें 7 स्टेप्स लगेंगे. 7 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो वो 7 स्टेप क्या क्या होंगे देखते हैं. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप जो वंस के डिजिट है उन्हें मल्टीप्लाई करिए. यानी 5 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 5 और 4 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 5 4 20. यानी आप ये 0 लिखेंगे और 2 जो होगा स्टेप 2 में जाके एड हो जाएगा. ये 0 आपके आंसर में आएगा, और ये जो स्टेप 2 आने वाला है हमारा स्टेप 2, इसमें ये 2 जाके एड हो जाएगा, राइट. अब देखते हैं, तो पहला समझ में आ गया. स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आप, अब देखिए स्टेप 1 में तो आपने वंस वाले डिजिट लिए, स्टेप 2 में आप वंस तो लेंगे ही और टेंस वाले डिजिट भी ले लीजिए. यानी कि स्टेप 2 में आप ये 65 और 24 को एक के नीचे एक लिखिए, और अब आप मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. यानी 2 में 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, और प्लस कर दीजिए 6 में 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है. और ये जो 2 है ये देखिए, ये 2 यहां आकर एड हो जाएगा. यानी मैं देखिए इसको 2 को यहां लिख दे रही हूं, ठीक है. यदि हम देखिए इसको, यदि मैं यहां लिखूं तो ज्यादा इजी लगेगा आपको. ये 2 मैंने यहां लिख दिया, ये वाला 2 यहां लिख दिया है, और मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक है. देखिए स्टेप 2 में मैं एक बार और रिवाइज करती हूं, जो आप टेंस की जो डिजिट है वो भी आप वंस वाले डिजिट के साथ लिखिए. तो यहां 65 था, यहां 24 था, ये दोनों मैंने लिखा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है. और जो स्टेप 1 में जो आपका जो कैरी ओवर हो रहा था वो यहां पर लाके एड कर दिया, ओके. अब देखिए कितना आया, 2 ये हो गया, 5 2 10, 6 4 24. देखिए एड करने में कितना हुआ, 4 2 6 2 1 3, 36 आया. यहां मैं 6 को लिखूंगी आंसर में, और ये जो 3 है ये जाएगा स्टेप 3 में, ठीक है. स्टेप 3 मैंने आपको बताया है टोटल 7 स्टेप तक जाना है, तो स्टेप 3 में अब आते हैं. स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में आप जो 100 वाली डिजिट्स हैं वो पूरी की पूरी लिखिए, 100 डिजिट तक लिखिए. यानी 465 और 024, और यहां इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम कैसे. तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 4 में 4, 5 के साथ 0, और 6 से 2 मल्टीप्लाई होगा. स्टेप 3 को देखिए मैं ऐसे समझाती हूँ, ये देखिए ये ब्लैक मार्कर से किया, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. और ये 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. और जो 6 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी
किया, 4 में 4 मल्टीप्लाई, 5 में 0 का मल्टीप्लिकेशन और 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और ये जो 3 था यही आकर ऐड हो गया, ठीक है। ये 3 देखिए यहाँ ऐड हो गया, ये वाला 3 जो सेकंड स्टेप में आया था ना वो यहाँ ऐड हो गया। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, 3 ये हो गया 16, ये हो गया 0, ये हो गया 12, कितना हो गया अब ये 6, 2 हो गया 8 और 11, 1, 2, 3 यानी ये हो गया 31। अब 1 तो मैं आंसर में लिखूंगी, 1 को आंसर में लिखना है और जो 3 है ना ये 3 ये कैरी ओवर हो जाएगा और जाके स्टेप 4 में ऐड हो जाएगा। स्टेप 4 में ये 3 ऐड हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग स्टेप 4 देखते हैं कैसे करना है। स्टेप 4 में जो 1000 वाले डिजिट्स भी है ना वो भी साथ में आ जाएंगी, दैट मीन्स 7465 एंड 0024 ये आप पूरा का पूरा लिख लो और यहां मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ये मैं समझाती हूं। देखिए इसमें मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी जो वंस की डिजिट है वो 1000 वाले प्लेस की डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके जो 1000 की डिजिट है वो इसके वंस वाले से मल्टीप्लाई होगी यानी प्लस कर दीजिए आप 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। देखा आपने, अब हम देखते हैं ये देखिए यहां इसके जो टेंस की डिजिट है वो इसके 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा और जो अब लास्ट स्टेप बचता है वो हमारा हो जाएगा, ये देखिए हम ये 4 और 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी इसके 100 और इसका 10, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और जो स्टेप 3 में आया था वो कैरी ओवर यहां पर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 में क्या आया था, स्टेप 3 में 3 आया था जो कि कैरी ओवर हुआ था, 3 कैरी ओवर हुआ तो यहां पर अब इसको हमने ऐड कर दिया। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया 0, ये हो गए 28, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 3, ठीक है ना। ये 28 हो गया, ये हो गया 8 एंड दिस इज 3, ये हो गया। अब देखिए ऐड करती हूं मैं, ये हो गया 16 17 18 19 और ये हो गया 3 यानी अब आया 39 यानी 9 जो है आपके आंसर में चला जाएगा और जो 3 है अब ये जो है कैरी ओवर हो जाएगा यानी आप स्टेप 5 में से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मैं स्टेप 5 लेती हूँ, स्टेप 5 में लाके इसे ऐड करना है मुझे। देखिए स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट से चलना शुरू कीजिए, लेफ्ट से आप पूरे 3 डिजिट लीजिए 7 4 6। अभी आप पूरे ऑलरेडी 4 डिजिट ले चुके हैं तो अब आप लेफ्ट से शुरू करो और 3 डिजिट लीजिए, 7 4 6 लिया, नीचे की 0 0 2 लिया। अब आप यहां मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 6 के साथ 0 मल्टीप्लाई कर दिया, 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से 0 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, समझ में आया। 7 से 2, 6 के साथ 0, 4 से 0 मल्टीप्लाई हो गया। देखिए ये 0 आया, ये हो गया 14, ये हो गया 0। हाँ स्टेप जो 4 का जो कैरी ओवर था यानी कि ये जो 3 है उसे भी तो ऐड करना है ना, बस यहां पर आप ये 3 को ऐड करिए, ठीक है। तो ये 3 हुआ, कितना हो गया, ये हो गया 17। तो अब 7 आ गया आपके आंसर में और 1 आपका कैरी ओवर हो गया। मैंने आपको बताया 7 स्टेप्स आएंगे तो अब ये 5 है, अब आप लेते हैं स्टेप 6, ठीक है। स्टेप 6 क्या करना है, उसमें 2 डिजिट लेनी है। अब यहां 3 ले चुके, अब लेफ्ट से 2 यानी 74 और 00 आप लो, आप 74 और ये हो गया आपका 00 मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए 0 से 4 मल्टीप्लीकेशन 0, 7 से 0 0 और यहां जो स्टेप 5 में 1 आया था ये जाके ऐड हो जाएगा यहां पर, यानी कितना हो गया, ये हो गया 1 यानी स्टेप 6 में आ गया 1। अब देखिए यहां पर कोई डिजिट नहीं आई है जो कि कैरी ओवर होने जा रही है, ठीक है ना। तो बस स्टेप 7 अब लास्ट है, आपने को करना है स्टेप 7 में जो वंस के प्लेस हैं वो मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे 7 और 0, कितना आ गया देखिए 0 आ गया।
ऐसा कुछ भी नहीं था स्टेप सिक्स में कि जो कि आपके पास कैरी ओवर हुआ हो, तो बस ये जीरो है, जीरो को आप लिखिए नहीं लिखिए दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया है 179,160। थोड़ा लेंथी लगा होगा जरूर, लेकिन लेंथी बिल्कुल नहीं है, शुरू में लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन आई एम टेकिंग नाउ, ओके चलिए। क्वेश्चन नंबर टू, 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसमें आपको 1234 से 5678 मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करना है, मैंने आपको बताया है इसमें कि 7 स्टेप्स में ये पूरा होता है, ठीक है। तो 7 स्टेप है, शुरुआत मैं कर देती हूँ कैसे करना है। मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि आप इसको 1 by 1 लिख लीजिए, यानी कि एक के नीचे एक लिखना है वैल्यू आपको इसे, यानी देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4, उसके नीचे आप 5, 6, 7, 8 लिखिए, ठीक है। और अब जो आंसर आएगा वो मैं आपको बताती जाती हूँ, जो कि स्टेप 7 स्टेप्स में आता है, राइट। स्टेप वन में हमें क्या करना है, जो वंस डिजिट है दोनों की, जो दोनों नंबर है उनके वंस डिजिट, उन्हें मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि आप 4 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 32, ये 2 आंसर में आएगा, ये 3 जो है आपका स्टेप 2 में जाके ऐड हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 देख रहे हैं हम, स्टेप टू में आइए, क्या करना था, यहां हमें वंस वाली डिजिट ली थी, अब मैं टेंस वाली डिजिट भी साथ में लूंगी, राइट। यानी 3, 4 और 7, 8 लेंगे हम, 3, 4 और 7, 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यानी 7 और 4 मल्टीप्लाई करिए, 3 और 8 मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और प्लस कर दीजिए, ये जो 3 था ये यहां जाके ऐड हो गया, कितना आया देखिए, ये हो गया 28, ये हो गया 24, ये हो गया 3, कितना हो गया 8, 4, 12 और 3, 15 हो गया, ये हो गए आपके 5, 2, 2, 4 और +1, 5, 55, यानी आंसर में ये 5 आएगा, और ये जो सेकंड वाला 5 है ये आपका स्टेप 3 में जाकर ऐड हो जाएगा। अब मैं स्टेप 3 कर रही हूं, राइट, स्टेप 3 समझ में आया ना आपको, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में हंड्रेड्स वाली डिजिट 20 साथ में लीजिए, यानी 2, 3, 4, 6, 7, 8 मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, यहां से ये मल्टीप्लाई होगा, और 3 से 7 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। देखिए 2 से 8 मल्टीप्लाई करिए, 6 से 4 मल्टीप्लाई करिए, और 3 से 7 मल्टीप्लाई करिए, और प्लस कर दीजिए, जो ये 5 है यहां जाके ऐड हो गया, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 24, ये हो गया 21 एंड दिस इज 5। अब जरा ऐड करिए 6, 4, 10 और ये हो गया 6 यानी 16, और ये हो गया 2, 2, 4, 5 एंड दिस इज 6, यानी ये आ गया 66। ये 6 आप लिखिए, और ये वाला 6 जो है ये चला जाएगा आपका स्टेप 4 में, ठीक है, ऐड जाएगा स्टेप 4 में, ठीक। तो अब हम स्टेप 4 देखते हैं, स्टेप 4, मैंने आपको बताया है 7 स्टेप होंगे, अभी हम स्टेप 4 देखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 1, 2, 3, 4 पूरी 1000 वाली डिजिट भी आप साथ में ले आइए, ठीक है ना। और अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ये देखना है, देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, ये 4, 5 से मल्टीप्लीकेशन करना है इसका, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब जो सेकेंड है वो देखिए, ये 1, 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, इसके बाद आ जाता है हमारे पास 6 और 3 मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। और ये जो 6 बचा था ना स्टेप 3 का, ये भी तो आके यहां पर ऐड होगा ना, ये वाला, सॉरी दिस इज 6, ये वाला जो 6 है यहां पर ऐड हो जाएगा, है ना। अब देखिए
मैंने क्या किया, 1 का 8 से मल्टीप्लीकेशन किया, 5 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 से, 6 3 से, और जो ये स्टेप 3 में 6 आया था वो स्टेप 4 में जाके एड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, 5 4 जा हो गए 20, ये हो गया 8, ये हो गया 14, ये हो गया 18 एंड दिस इज 6। ठीक है, एक बार मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए आपने सही किया है या नहीं किया है, राइट। अब इसको आपको ऐड करना है, ये देखिए 6 4 हो गया 10, ये हो गया 18, यानी कितना हो जा रहा है, ये 6 आ गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 66 आ गया, 66 में जो 6 है वो यहां पर आपको लिखना है, और उसके बाद ये जो 6 है वो कैरी ओवर हो जाएगा स्टेप 5 में, उसको ऐड कर देंगे। अब हम स्टेप 5 देख रहे हैं, 4 में आ गया 66, तो 6 आ गया आंसर में, और ये वाला जो 6 है वो आप स्टेप 5 में ऐड कर देना, राइट। अब स्टेप 5 में हमें क्या लेना है, देखिए लेफ्ट से आप 3 डिजिट्स पूरी लीजिए, 1 2 3, और ये 5 6 7, 1 2 3, और इधर 5 6 7। ठीक है, पूरा आप 7 स्टेप में ही क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना, तो ये हम स्टेप 5 ले रहे हैं अभी। देखिए 1 7 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 2 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये वाला जो 6 था यहाँ पर आया है वो आप यहाँ ऐड कर दीजिए। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है, ये 15, ये 12 एंड दिस इज 6, ऐड करिए कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया आपका ये, दैट इज 40। सो 0 आप लिखेंगे, और ये जो 4 है ये आपका स्टेप 6 में जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 जो है स्टेप 6 में जाके ऐड हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्टेप 6 क्या होगा। ठीक है, स्टेप 6 में देखिए क्या होगा, अब हम लेफ्ट से 2 डिजिट लेंगे, यानी कि जैसे 1 2 है, यहाँ 5 6 है, इसको लेंगे 1 2, और ये हो गया 5 6। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, यानी 1 को 6 से कर दीजिए और 5 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, प्लस करना है आपको ये वाला 4, है ना, ये 4 प्लस करना है, ये आ गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया 4, 6 4 10 10 20, यानी हो गया यहाँ 20, जो 0 है ये आया यहाँ पर आंसर में, इसको रखना है। और ये जो 2 बचा वो आपके स्टेप 7 यानी लास्ट वाले जो स्टेप 7 है उसमें जाकर ऐड हो जाने वाला है। ठीक है ना, स्टेप 7 जो कि लास्ट है वो देखते हैं, आपको जो लेफ्ट से जो इनकी जो वंस वाले डिजिट दिखेंगे लेफ्ट से वंस, उनको मल्टीप्लीकेशन करना है 5 में 1, है ना, और कितना हो गया ये 5, इसके साथ आपको प्लस करना पड़ेगा ये वाला 2 जो स्टेप 6 में आया था, तो ये यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, देखिए कितना हो गया, ये हो गया 7। बस ये 7 आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, तो 7 0 0 6 6 5 2, ये आपका आंसर आया, यानी आप इसको क्या कहेंगे, ये देखिए ये हो जा रहा है आपका 70,06,652। देख रहे हैं आप लोग कितना बड़ा नंबर आया है, आपको तो कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं दिया जाता है, तो आपको इन्हीं ट्रिक्स की हेल्प लेनी है और इतनी बड़े बड़े नंबर्स को चुटकियों में आंसर लेकर आना है। तो पार्ट 2 जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रिक्स के जो वीडियोस बनाए हैं, वीडियो नंबर पार्ट 2 जो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2 है, उसके लिए जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चन ये थे जो कि 3 डिजिट नंबर्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्वेश्चन था 411 मल्टीप्लाई बाय 296, तो इसका आंसर आता है 1,21,656, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 2 था 980 मल्टीप्लाइड बाय 978, आंसर था 9,58,440। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे जरूर किया होगा। ठीक है, तो ये थे आंसर्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नई ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।